नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम केतु ग्रह की अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर बनने वाले योगों के विषय में चर्चा करेंगे, उनके फलों को जानने का एक प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम केतु ग्रह को समझ लेते हैं, इसके पश्चात इनके युति प्रभावों पर विचार करेंगे ताकि फलों को समझने में आसानी हो। ध्यान रखें, केतु ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली क्यों न हो, केतु ग्रह एक विच्छेदात्मक ग्रह है। जिस भी भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी उन भावों से संबंधित चीजों में विच्छेद उत्पन्न ये करता है। हालांकि ये धर्म ध्वजा का कारक भी माना गया है, यानी इसका संबंध यदि कुंडली के धर्म भाव यानी कुंडली के नवे भाव से हो जाए अथवा कुंडली के बारहवे भाव से हो जाए तो यहाँ पर केतु के अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक माना गया है और कुंडली के नवे भाव की बात करें तो यह धर्म का कारक है, भाव है, और इसके अलावा कुंडली के बारहवें भाव की बात करें तो यह मोक्ष का भाव भी है। तो इन भावों से संबंध होने पर केतु के अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के आठवें भाव में भी केतु के अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि इन भावों में केतु ग्रह को कारक माना जाता है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव से रहस्यात्मक चीजों का विचार करते हैं, लेकिन ज्योतिष, वैदिक, वेद पुराण शास्त्र में इत्यादि चीजों में जातक की रुचियां हैं या नहीं, इसके लिए कुंडली का अष्टम भाव देखा जाता है। तो केतु ग्रह क्योंकि मोक्ष के कारक हैं तो इसलिए यहां पर इनकी दृष्टि जाना या फिर यहां पर केतु ग्रह का बैठना शुभ फलदायी माना गया है। दूसरे भाव में ये बैठेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। ध्यान रखें, केतु किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं वहां पर राशि कंक यदि आपको नौ लिखा मिले तो समझ लीजिए केतु ग्रह धनु राशि में, और धनु राशि में केतु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। किसी भी भाव में यदि आपको केतु ग्रह बैठे मिले, राशि कंक तीन लिखा मिले तो समझ लीजिए केतु मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में केतु ग्रह नीच के माने जाते हैं, यानी इनके अच्छे रिजल्ट दिखाई नहीं देते। इसके अलावा केतु ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों वहां पर राशि कंक यदि आपको 12 लिखा मिले तो समझ लीजिए मीन राशि, और मीन राशि में केतु ग्रह खुद की राशि में माने जाते हैं। हालांकि राहु और केतु की खुद की राशियां नहीं होती, लेकिन केतु ग्रह मीन राशि को अपनी खुद की राशि मानते हैं। आइए आप समझते हैं कि केतु ग्रह किन चीजों के कारक हैं। देखिए, ये जानकारी भी होना जरूरी है क्योंकि तभी हम इनके फलों को सही तरीके से समझ पाएंगे। केतु ग्रह देखा जाए तो वास्तव में एक विच्छेदात्मक ग्रह है, विदेशी भाषाओं के कारक हैं, रहस्यमयी बीमारियों के कारक भी हैं। यदि इनका संबंध कुंडली के छठवें भाव या आठवें भाव से बन जाए तो केतु ग्रह रहस्यात्मक बीमारियां दे सकते हैं, यानी इलाज कराने के बाद भी जातक को या डॉक्टर को कह सकते हैं कि बीमारियां समझ में नहीं आती। कई बार ये समझ में आती हैं तो काफ़ी देर से आती हैं फिर, ठीक है, यानी बीमारियां पकड़ में नहीं आती। जिस भी भाव से इसका संबंध बनता है तो केतु ग्रह उस भाव से संबंधित तड़प देता है, अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करता है। यानी जिस भाव में केतु ग्रह बैठेगा या जहां पर इसकी दृष्टि जाएगी वहां से संबंधित चीजों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करेगा, उनसे संबंधित तड़प जातक के जीवन काल में बनी रहती है, या फिर कह सकते हैं कि उन चीजों की पूर्ति हो जाने पर भी जातक उन चीजों से संतुष्ट ना हो, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अंतः ज्ञान का कारक भी है केतु ग्रह, आंतरिक ज्ञान, तंत्र मंत्र, ठीक है, वैराग्य, विक्षोभ, या फिर एकांत की स्थिति क्यों ना हो तो, या अलगाव की बात चल रही हो तो केतु ग्रह इन चीजों के कारक ग्रह माने जाते हैं। केतु का संबंध यदि अष्टम भाव से बन जाए तो अकस्मात योग भी ये उत्पन्न करते हैं, यानी आकस्मिक तरीके से चीजों को देते हैं। आकस्मिक घटनाएं हो या फिर आकस्मिक धन लाभ हो तो ये चीजें जातक को अचानक रूप से प्राप्त होती है। आइए अब केतु की अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है चर्चा करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं केतु और सूर्य की युति के विषय में। देखिए, सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारक हैं। केतु और सूर्य की जब भी युति होगी तो ये ग्रहण योग का निर्माण कुंडली के अंदर करती है। इस युति की वजह से आत्मबल में कमी, आत्मविश्वास में कमी जातक महसूस कर सकता है, यानी जातक की आत्मिक शक्ति वह कमजोर रह सकती है। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। पिता के साथ मतभेद की स्थिति होना, यानी वैचारिक मतभेद उनके साथ हो सकते हैं। इसके अलावा संसार से विरक्ति हो जाना, यानी जातक मोक्ष की तरफ या कह सकते हैं कि एकांतता की तरफ मुड़ सकता है, इस प्रकार की परिस्थितियां भी ये उत्पन्न करता है। हालांकि मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन जातक के अंदर वैराग्य की भावना या कह सकते हैं कि अकेले रहने की भावना महसूस हो सकती है, इस प्रकार की स्थितियां ये निर्मित करता है। ध्यान रखें कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, कम से कम रविवार को तवस्य करें तो, और पिता का सम्मान करें तो केतु और सूर्य की द्वारा जो युति का निर्माण हो रहा है इसमें काफ़ी हद तक गिरावट आ जाती है और सूर्य शुभ प्रभाव में आकर अपना अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। केतु की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं ताकि केतु का बुरा प्रभाव कमजोर हो जाए।
मित्रों आइए अब विचार करते हैं केतु और चंद्र की युति के विषय में। देखिए सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, मन के विचारों के कारक हैं, घर के सुखों के कारक हैं, माता से संबंधित सुखों के कारक हैं चंद्रमा। केतु और चंद्रमा की युति होती है तब भी ग्रहण योग का निर्माण कुंडली के अंदर होता है। इस युति की वजह से क्या होगा, जातक का मन अस्थिर रह सकता है, अशांत रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा नकारात्मकता जातक को परेशान कर सकती है। बिना कारण जातक इधर उधर भटक सकता है, यानी बिना सोचे विचारे जो मन में आए वो करना, इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं यदि इस युति का प्रभाव अधिक हो और इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। किसी भी भाव के अंदर ये युति बने ठीक नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थिति में आप प्रतिदिन ना हो सके तो प्रति सोमवार कम से कम भगवान शिव का दुग्ध मिश्र जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम का गुंजन आप कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका चंद्रमा बलि होगा और आपको शुभ रिजल्ट देने लग जाएगा। इसके अलावा केतु की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं तो केतु के बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। मित्रों आइए अब बात करते हैं केतु और मंगल की युति के विषय में। देखिए ज्योतिष शास्त्र में केतु को कुजवत कहा गया है, यानी मंगल के समान फल देने वाला। इसके अलावा राहु को शनिवत कहा गया है, यानी राहु के समान फल देने वाला। यानी आपकी कुंडली में यदि मंगल ग्रह अच्छा है, शुभ होकर बैठा हुआ है, तो केतु ग्रह उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है यदि केतु और मंगल की युति साथ हो जाए तब। ध्यान रखें केतु और मंगल की जब भी युति होगी तो ये अंगारक योग का निर्माण कुंडली के अंदर करेगी, क्योंकि मंगल की बात करें तो अग्नि तत्वी ग्रह है और केतु की बात करें तो ये वायु तत्वी ग्रह, यानी आग को भड़काने का काम ही केतु यहां पर करते हैं। आप ये इस प्रकार से ले सकते हैं इस चीज को कि मंगल के प्रभाव को केतु कई गुना बढ़ा देते हैं। अब यदि मंगल शुभत्व लिए हुए तो शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, यदि अशुभ होकर बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 के स्वामी होकर बैठे हुए हैं तो बुरे प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। यानी जिस भी भाव में मंगल और केतु की युति होगी उस भाव से संबंधित थोड़ी ना बहुत परेशानी ये क्रिएट करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक को करना ये होता है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होता है। विशेष रूप से ये युति यदि लग्न भाव के अंदर बन जाए या किसी भी भाव के अंदर बने तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, यानी गुस्सेल प्रकृति जातक की हो सकती है। ध्यान रखें इस बात का, अग्नि से या फिर धारदार वस्तुओं से या फिर जल्दबाजी से जातक को बचने का प्रयास करना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और लड़ाई झगड़े इत्यादि से दूर रहें। तो ऐसी परिस्थिति में इस युति के ज़्यादा बुरे प्रभाव पर दिखाई नहीं देते। मित्रों आइए बात करते हैं केतु और बुध की युति के विषय में। देखिए बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं। केतु और बुध की जब भी युति होती है तो ऐसी परिस्थिति में जातक की तर्क शक्ति कमजोर रह सकती है। त्वचा जन्य रोगों का शिकार जातक हो इसकी संभावनाएं भी बनती हैं, ठीक है। हालांकि जातक मोक्ष की चाह रखने वाला होगा, क्यों, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक ग्रह भी माना गया है। जब केतु और बुध साथ होंगे तो इस प्रकार की परिस्थितियां जातक के मन में उत्पन्न हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों आइए बात करते हैं केतु और गुरु की युति के विषय में। देखिए केतु और गुरु की युति को धर्म ध्वजा योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, धार्मिक चीजों के कारक हैं। केतु की बात करें तो ये मोक्ष के कारक हैं। जब इन दोनों की युति बनेगी तो धर्म की कीर्ति फहराता है जातक, यानी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, धार्मिक कार्य भी करेगा, परोपकार करने वाला होगा, दयावान किस्म का होगा। आध्यात्मिक चीजों में जातक की रुचियां रह सकती है, इष्ट की कृपा जातक के ऊपर बनी रह सकती है यदि ये युति कुंडली के लग्न भाव के अंदर, कुंडली के पंचम भाव के अंदर या कुंडली के नवम भाव के अंदर बन जाए तब, ठीक है। इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अचानक धन लाभ करा सकती है ये युति यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर विशेष रूप से बन जाए, क्यों, क्योंकि देखिए दूसरे भाव में केतु ग्रह कारक भी होते हैं और इसके अलावा यहां पर जब गुरु और केतु साथ बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टियां होंगी सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये अचानक से धन प्राप्ति के योग भी निर्मित कर देती है। मित्रों आइए विचार करते हैं केतु और शुक्र की युति के विषय में। देखिए केतु और शुक्र की युति को ज्योतिष शास्त्र में लंपट योग के नाम से जाना गया है। इस युति के प्रभाव से क्या होता है, जातक के दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का वह अनुभव कर सकता है। जातक का नैतिक पतन हो इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो अतः जातक को चाहिए कि वे बुरे मार्ग की तरफ जाने से बचे, धर्मानुसार आचरण करें। तो ऐसी परिस्थिति में फिर केतु और शुक्र की युति के बुरे रिजल्ट दिखाई नहीं देते। आइए बात करते हैं केतु और शनि की युति के विषय में। देखिए केतु और शनि की युति को शापित योग के नाम से जाना गया है। इस युति के प्रभाव से जातक के जीवन में संघर्ष की अधिकता बनी रह सकती है, यानी जातक को परिश्रम अधिक करना होगा तब उसका लाभ उसे मिल पाता है, यानी अधिक मेहनत करने पर जातक अपने परिश्रम का लाभ उठा पाता है। सबसे प्रमुख बात इस युति की ये हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जातक का मन अशांत रहे इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि इसके लिए आपको चंद्र की स्थिति देखना अनिवार्य होगा, यानी चंद्र कुंडली में यदि पीड़ित हो रहा है तभी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। हालांकि ये युति यदि कुंडली के 12वें भाव में बन जाए तो जातक को ये आध्यात्मिक भी बनाती है।
मित्रों वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।